Hey guys, welcome back again to our channel Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. नंबर वन, सलमान खान और शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सलमान और शाहरुख खान एक साथ करण अर्जुन देखते नजर आ रहे हैं. जी हां, सही सुना आपने. सोशल मीडिया पर सलमान और शाहरुख खान का एक वीडियो फैंस का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में सलमान और शाहरुख खान पार्टी करते हुए भी नजर आ रहे हैं. नंबर टू, पुष्पा 3 के साथ अल्लू अर्जुन तेलुगु सिनेमा में सबसे बड़ा इतिहास बनाने जा रहे हैं. अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 एक नए दौर की शुरुआत करने जा रही है. इंडियन सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी टॉलीवुड फिल्म के 3 पार्ट्स बनाए जाएंगे. अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इस वक्त बन रही है. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा. इसके बाद अल्लू इसके तीसरे पार्ट यानी पुष्पा 3 पर काम शुरू कर देंगे. नंबर 3, अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में का गाना हुआ रिलीज. देखिए, अक्षय कुमार, एमी विर्क, तापसी पन्नू और वाणी कपूर स्टार ऑफ फिल्म खेल खेल में का पहला गाना हॉली हॉली नचनी रिलीज हो गया है. इस वीडियो में अक्षय कुमार, फरदीन खान और एमी विर्क अपने जबरदस्त डांस मूव्स दिखा रहे हैं. नंबर 4, आलिया भट्ट अपनी अपकमिंग स्पाई थ्रिलर अल्फा में एक बिल्कुल नया अवतार दिखाने के लिए तैयार हो रही हैं. फिलहाल आलिया फिल्म के लिए हाई एक्शन सीक्वेंस में लगी हुई हैं, जो यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है. मिड्डे की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्र बताते हैं कि आलिया फिलहाल में बॉबी देओल के साथ एक स्पेशली क्रूर और खूनी एक्शन सीक्वेंस फिल्मा रही हैं, जो फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं. बता दें कि ये शूटिंग मुंबई के गोरे गांव में चल रही है. नंबर 5, जॉन अब्राहम जल्द ही एक्ट्रेस शर्वरी वाघ के साथ फिल्म वेदा में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यानी 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी. हालांकि रिलीज से पहले वेदा मुसीबत में फंसती नजर आ रही है. दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो वेदा को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस अभी तक नहीं मिली है और फिल्म की रिलीज डेट काफी नजदीक आ गई है. ऐसे में लग रहा है कि वेदा की रिलीज पर अब तलवार लटक सकती है. नंबर 6, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनौत की फिल्म फैशन के सीक्वल पर अपडेट आई है. जी हां, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार मधुर भंडारकर सीक्वल के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं. ये फिल्म फैशन इंडस्ट्री में आए बदलावों पर प्रकाश डालेगी. फैशन 16 साल पहले रिलीज हुई थी. अब तक इंडस्ट्री में काफी चेंजेस आ चुके हैं, जिस वजह से डायरेक्टर एक अट्रैक्टिव कहानी भी बताना चाहते हैं. जानकारी के अनुसार वो पहले से ही एक स्टूडियो के कांटेक्ट में हैं, जो फैशन 2 बनाने के लिए तैयार है. नंबर 7, अक्षय की फिल्म वेलकम टू द जंगल पर बात करते हुए दलेर मेहंदी ने कहा है, फिल्म 70% शूट हो चुकी है और 25% जो बचा हुआ है वो मैं करने वाला हूँ 1 अगस्त से 15 अगस्त तक. उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म में उनका एक गाना है, उसके लिए भी उन्हें अलग से 7 दिन देने हैं. गाने का नाम उन्होंने जुगनी बताया है और कहा कि फिल्म के सारे एक्टर्स इस गाने में उनके साथ डांस करेंगे. नंबर 8, अजय देवगन की रेड 2 इस साल रिलीज नहीं होगी. जी हाँ, मेकर्स फिल्म की रिलीज को अगले साल के लिए टालने की प्लानिंग बना रहे हैं. मई के महीने में इसकी शूटिंग पूरी हो गई और अब एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. हालांकि अगले साल की तारीख तय नहीं है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अजय दिवाली के दौरान सिंघम अगेन रिलीज करेंगे. इस साल दिवाली अक्टूबर के अंत में पड़ रही है और इसीलिए 2 वीक के गैप के भीतर अजय देवगन की एक और फिल्म को रिलीज करना अच्छा बिजनेस नहीं होगा. नंबर 9, रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को मुकेश अंबानी की कंपनी जियो स्टूडियो का साथ मिल गया है. फिल्म की प्रोडक्शन हाउस की तलाश अब खत्म हो गई है. आपको बता दें कि रणवीर सिंह की इस फिल्म की शूटिंग आज से शुरू हो गई है. रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर की कहानी को लेकर भी खबरें सामने आई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म धुरंधर की कहानी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पर बेस्ड होगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल के जवानी के दिन दिखाए जाएंगे. अक्षय खन्ना और आर माधवन फिल्म में ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे. नंबर 10, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी रोहा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो जाती हैं. बुआ रिद्धिमा कपूर ने अपनी भतीजी पर खूब प्यार लुटाया है. उन्होंने अपनी भतीजी पर बात भी की है. उन्होंने बताया कि रोहा उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाती हैं. इसी के साथ रिद्धिमा ने खुलासा किया कि रोहा घर में
किसकी तरह दिखती हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कभी समारा जैसी लगती हैं, समारा अपने पिता और भाई रणबीर की तरह दिखती हैं, वो मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती हैं। उन्होंने आगे कहा, राहा आलिया भट्ट और मेरे डैड जैसी लगती हैं, राहा बहुत ही क्यूट हैं। नंबर 11, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी की पहली फिल्म लैला मजनू कश्मीर में 2 अगस्त को फिर से रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म का शूटिंग भी कश्मीर में ही हुआ था और ये काफी देखने लायक फिल्म थी। साथ ही इसकी कहानी भी बहुत ही दिलचस्प थी। लैला मजनू का रिलीज 2 अगस्त को श्रीनगर के थिएटर में होगा। ये फिल्म ओरिजिनल सितंबर 2018 में रिलीज हुई थी। नंबर 12, ममता कुलकर्णी पर पति विक्की गोस्वामी संग ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप था। इस आरोप के खिलाफ एक्ट्रेस ने साल 2018 में याचिका दायर करते हुए कहा था कि वो बेगुनाह और उनके खिलाफ चल रही प्रक्रिया पर रोक लगा देनी चाहिए। अब इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। ममता कुलकर्णी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। एक्ट्रेस के खिलाफ चल रहे 2000 करोड़ के ड्रग तस्करी केस को रद्द कर दिया गया है। नंबर 13, सलमान खान ने र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसके बाद से उनकी ये तस्वीरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, सलमान खान ने अपनी र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का बर्थडे अपने घर पर ही सेलिब्रेट किया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में यूलिया सलमान के साथ कोजी होती दिख रही हैं। नंबर 14, उर्वशी रौतेला बीते दिनों अपने MMS को लेकर सुर्खियों में आ गई थी। हालांकि बाद में पता चला कि ये उर्वशी की अपकमिंग फिल्म घुसपैठिए का एक सीन है। अब उर्वशी की फिल्म घुसपैठिए का ट्रेलर आज यानी 26 जुलाई को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। नंबर 15, प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने शेयर किया है लेटेस्ट फोटोज। जी हाँ, प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से लेटेस्ट फोटो शेयर किए हैं। इन तस्वीरों में दीपिका अपना स्किन केयर रूटीन दिखा रही हैं। दीपिका पादुकोण ने ये तस्वीर सेल्फ केयर मंथ के तहत शेयर की है, जो अब वायरल हो रही है, टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।